नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं जैस्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में देखेंगे तमाम खबरें। जम्मू कश्मीर में कोविड के पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। आज यूटी के विभिन्न अस्पतालों में कोविड मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कोविड से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। गांधीनगर अस्पताल जम्मू में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल की गई। इंतजाम मुफ्ती के आरोपों का करारा जवाब। जम्मू कश्मीर पुलिस की पहली प्रतिक्रिया। 2020-21-22 में लगभग 99% पासपोर्ट सत्यापन पूरा हुआ। पुलिस का कहना है कि इल्तिजा द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। जीएमसी कठुआ में दो नवजात बच्चों की मौत। परिजनों ने जीएमसी प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। जुनैद अजीम मट्टू ने युवा अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। ट्वीट कर दी जानकारी। पार्टी अध्यक्ष का किया धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का बयान। पिछली सरकारों ने कश्मीरी लोगों को दिए सिर्फ जख्म। कांग्रेस और एनसी गठबंधन, पीडीपी और बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे लॉन्च। अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव की भी तू से होगी शुरुआत। सीमावर्ती गांव को सशक्त बनाना उद्देश्य। जम्मू कश्मीर के वन्य जीवन संरक्षण विभाग को मिली कामयाबी। आखिरकार पकड़ा गया तेंदुआ, कई दिनों से थी तलाश। लद्दाख के एलजीबीटी मिश्रा ने इफ्तार पार्टी में की शिरकत। इफ्तार पार्टी के लिए किया गया था आमंत्रित। बारामूला पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 4 ट्रैक्टर जब्त। संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज। हिमाचल में काल बनने लगा कोरोना। 4 लोगों की हुई मौत। 137 नए मामले सामने। सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 1750 के पार। त्राल के सुई नाढलाम इलाके में 75 साल बाद नाले पर पुल का हुआ निर्माण। डेयरी विकास विभाग ने पुल का किया निर्माण। स्थानीय लोगों ने एलजी प्रशासन का किया धन्यवाद। सेना द्वारा थसगाम द्रास में आसपास के गांव के पंच सरपंच और युवाओं के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन। इस दौरान देश में अमन चैन के लिए की गई दुआ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर का दौरा। कहा ट्यूलिप गार्डन रोजगार पैदा करने का बेहतरीन जरिया। पर्यटक और लोग ट्यूलिप गार्डन का उठाएं लुत्फ। महावीर जयंती समारोह के अवसर पर जम्मू विश्वविद्यालय में प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर में खुशहाली के लिए महावीर के बताए रास्ते को अपनाने पर जोर। एलजी मनोज सिन्हा ने की अहिंसा और सादगी के रास्ते पर चलने की वकालत। कुंज में सीमा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठी को किया ढेर। 2 को पकड़ा जिंदा। घुसपैठियों के कब्जे से 85 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के ड्रग्स बरामद। श्रीनगर पुलवामा में आग की घटना। कई रिहायशी मकान हुए तबाह। पीड़ितों को लाखों का हुआ नुकसान। लोगों ने प्रशासन से पीड़ितों की मदद करने की लगाई गुहार। कुल्लू में बड़ा आग हादसा हो गया। यहां बंजार बाजार में दुकानों में लगी आग। ये आग हादसा तड़के 2 बजे हुआ। इस आग की चपेट में आने से 9 दुकानें और 3 घर जलकर राख हो गए, जबकि 2 मवेशियों की मौत हो गई। आग से लाखों का सामान राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। विधायक सुरेंद्र शौरी और डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने हादसे स्थल का किया दौरा। अब प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। सीएम सुक्खू का 3 दिवसीय दौरा। नादौन से की दौरे की शुरुआत। लोगों से करेंगे मुलाकात। लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक शिमला में 13 अप्रैल को होगी। ये बैठक सीएम सुक्खू के अपने क्षेत्र से के दौरे से लौटने के बाद होगी। इस बैठक में ओपीएस की फाइनल नोटिफिकेशन पर चर्चा संभव है। शिमला में एचआरटीसी स्टाफ ऑपरेशन यूनियन ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। 11,000 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है। 4,600 चालक और 4,400 परिचालकों ने 7 दिन के भीतर वेतन, 42 महीने का रात्रि भत्ता और ओवरटाइम भी मांगा है। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग से मिलकर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के मंत्री ने अपने सरकारी आवास के पते पर कई नरके वोटर्स जोड़े हैं।
इसी को लेकर शिमला नगर निगम के चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी की अध्यक्षता में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा और नए वोटरों के आवेदन को खारिज करने की अपील करेगा। किन्नौर दौरे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सीमांत गांव चांगो में करेंगे प्रवास। केंद्र और राज्य की परियोजनाओं की जाएगी समीक्षा। स्थानीय लोगों से भी करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा के बीड़ में एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप के समापन समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग के लिए बीड़ बिलिंग विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थल है और यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिताओं के बेहतर आयोजन के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेगी और यहां लैंडिंग साइट के आसपास भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीड़ में कार्निवल आयोजित करने पर विचार करेगी। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए बीजेपी 12 अप्रैल को उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। ये फैसला बीजेपी मुख्यालय दीप कमर में आयोजित पार्टी की एक अहम बैठक में लिया गया। ये बैठक बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी की मौजूदगी में उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। इस अहम बैठक में सुखराम चौधरी, सुरेश भारद्वाज और रवि मेहता भी मौजूद रहे। यहां प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने नगर निगम चुनाव में जीत का दावा किया। भाजपा के नगर निगम चुनाव प्रभारी एवं पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने नगर निगम चुनावों को लेकर मैनिफेस्टो, लीगल और आवास समिति की घोषणा की। इसको लेकर सुखराम चौधरी ने बताया कि मैनिफेस्टो समिति के अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन गणेश दत्त होंगे। गणेश दत्त के साथ पूर्व चेयरमैन रूपा शर्मा, पूर्व पार्षद विवेक शर्मा, जिला प्रभारी डेजी ठाकुर, जिला अध्यक्ष विजय परमार, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र भुक्का, राजेश शारदा और दिनेश ठाकुर इस समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा लीगल समिति के संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता अंशुल बंसल और शिमला ग्रामीण से प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के जिला संयोजक प्रमोद ठाकुर आवास समिति के अध्यक्ष होंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दो दिवसीय महिला प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस पर 1500 रुपए पेंशन और ओपीएस को लेकर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने डी नोटिफिकेशन के मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया। G20 summit. I would like to congratulate the Vice Chancellor and all the people who have been involved in it. My previous speakers have given you a lot of descriptive and analytical perspective of what the G20 presidency means and what are its potentials. I would not like to go into that, but I would like to talk about today's theme, which is engaging young minds. How do we see this presidency? What is the buzz about this presidency in our minds? What is the kind of atmosphere that it is creating, the thought processes that it is creating? And I can tell you that if we were to look at it, it is really a motivating feature for us. It is giving us pride. It is giving us a sense of leadership, confidence, recognition that we have become a major player in the world order. So our youth today are energized and motivated and would also like to contribute as much as they can to this overall effort. As we have seen, in JNK also, we are organizing an event which is next month. From 22nd May, we have the working group on tourism which will be coming to us. And as we all know, tourism is a major sector for JNK and it would be our opportunity to showcase JNK as an outstanding tourist destination which can match any destination in the world. We are also aware that in JNK we have had a new dawn of peace, progress and growth. It is a new opportunity for everybody to participate in, especially our youth who are going to be the leaders of tomorrow. For them,
we have seen that this is a place where we have harmony, we have inclusion, and we have tried to have youth engagement to a very large extent in terms of sports activities, youth activities. The new education policy is being implemented in a very fast-track manner, which is also getting in the new benefits of a lot of skill training, vocational training, research and development, emphasis on technology upgradation, and there are many other aspects in which we are engaging the youth today so that they can be very valuable contributors to the future of our country and also of JNK. We have seen of late that values which we have always held high, like transparency, accountability, are today being enforced. We are also using technology to get into a digital transformation where we would be able to put some of these things openly in the public view, and also we would have the kind of inclusion that we are looking at. If you were to look at JNK, as was mentioned for the G20 efforts also, women empowerment, it is indeed our privilege that the women of JNK are equal partners in our quest for growth and development, peace and harmony. And I would like to salute them on this occasion. If you were to look at the Kashmiri people, they have always lived in harmony with nature. We were talking of the sustainable development goals, we were talking of the environment. JNK is a living example of having the most beautiful natural environment and also a history of having used it in a responsible manner. Today, we do understand that the world is at a critical juncture, and has been brought out by the previous speakers, and faces very serious challenges. But our message of our presidency, which is of healing, hope and harmony, and also of one earth, one family and one future, is definitely the way ahead. And the people of JNK and the government of JNK are also firm believers in these values which we have put forth as some of the guiding principles of the G20 presidency. It also emphasizes India's stature in the global order and also in sync with our Azadi Ka Amrit Mahotsav. 75 years of our independence we are celebrating, and also we are charting the way ahead for the next 25 years ahead. How would we like India to be after 100 years of its existence as an independent nation? What is its place in the global order that we would like to see? And the G20 presidency is a big step in this direction. So it is very opportune and a good omen for us that when we are starting on our plan of making India one of the foremost economic, political and a socially responsible world power, we are having the headlines.